यूके स्टडी वीजा की बात करें तो बहुत सारे सवाल हमारे पास जो है स्पाउस वीजा को लेकर भी रहते हैं कि क्या कोई ऐसी ऑप्शन है स्पाउस को साथ लेकर जाया जा सके या स्पाउस की फाइल ही साथ में लग जाए, चाहे बाद में वीजा जो है आ जाए। तो हम आज उसी पर बात करने जा रहे हैं कि यूके स्टडी वीजा के साथ आप कैसे स्पाउस वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ अप्लाई ही नहीं कर सकते, स्पाउस वीजा जो है आपका ग्रांट भी हो सकता है और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट जो है इसमें देखे भी जा रहे हैं। आखिर ये कौन सी कैटेगरी है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसी को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगी नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार जी। तो मैम जरूर देखिए, आजकल स्पाउस वीजा को लेकर बहुत सारे सवाल और स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स रहते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की बात करें तो रूल्स जिस तरह से अपडेट होते जा रहे हैं स्पाउस वीजा को लेकर कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। तो आज के टाइम में आप जब यूके स्टडी वीजा की बात करें तो स्पाउस वीजा अप्लाई करने के लिए कैसी ऑप्शंस अभी भी हैं जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे जा सके? हरजोत, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी यूके जो है जी हिस्टोरिकल कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे देखना पसंद करते हैं और क्यों जाना चाहते हैं, वो सारे बेनिफिट्स सबको पता है। लंदन जाना है ना, लंदन आए देखनी है, लंदन थेम्स रिवर पे घूमना है, स्टोनहेंज देखना है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग मींस यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस हिस्ट्री। और आप जब से यूके का स्पाउस वीज़ा बंद हुआ पीछे जनवरी से हुआ था, तब से यूके में बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था जी। तो अब जो है हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं जिसमें बच्चा जो है स्टूडेंट जो है मेन कैंडिडेट एंड स्पाउस बोथ ऑफ देम दे कैन अप्लाई। दैट इज़ मास्टर बाय रिसर्च है, 6.5 बैंड आइल्स चाहिए, ये एक ज़रूरी है, 6.5 नॉट लेस देन 6 की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो है स्पाउस के साथ जा सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है, यूके में आपको पता है ऑलमोस्ट 366 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग है, ऑक्सफोर्ड कॉलेज है, कैम्ब्रिज कॉलेज है, ठीक है, बहुत सारे इनके टॉप रैंकिंग जो है और ग्लोबल जो एक्सेप्टेंस की वजह से यूके बच्चे जाना पसंद करते हैं। और अगर उसी टाइम अगर स्पाउस भी जा सकता है तो ये इनके लिए एक सोने पे सुहागा हो जाता है कि जो बच्चे मैरिड हैं और स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, उनका स्पाउस वाले केसेस में क्योंकि वो मास्टर बाय रिसर्च है 6.5 नॉट लेस देन 6 के रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर स्पाउस वाले नहीं हैं, बैचलर स्टूडेंट हैं और मास्टर के लिए जाना है तो वो खाली मास्टर्स में जा रहे हैं तो वो विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, विदाउट आइल्स विदाउट पीटी भी जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी जो विदाउट आइल्स बच्चों को एक्सेप्ट करती हैं, प्लस टू वालों को भी, ग्रेजुएशन वालों को भी। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, लेकिन जो ग्रेजुएशन का बच्चा है जिसने मास्टर बाय रिसर्च जाना और मैरिड स्टूडेंट है तो वो जो है 6.5 बैंड आइल्स कंपलसरी है उसके लिए। अब यूके क्यों जाना चाहिए ये हमने बताया, लेकिन यूके में और क्या इजी चीज़ें हैं, आपको फंड्स जो है जस्ट 28 डेज ओल्ड दिखाने हैं जी। आपने ऑलमोस्ट कोई 11 लेख के अराउंड फंड दिखाने अगर लंदन में जा रहे हो, और अगर आउट ऑफ लंदन जा रहे हो तो 9.5-9.5 लाख के आसपास लिविंग एक्सपेंसेस आपने दिखाने हैं और 1 ईयर की फीस आपने दिखानी है। अब मैं एक चीज़ भूल गई, जो बच्चे जाते हैं अगर वो टाइम से अप्लाई करें तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन 100% स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिलती है। मैं आज एक यूनिवर्सिटी की सर्च कर रही थी, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी है जिसकी ओनली फीस 11,000 समथिंग है और 17 जुलाई को उसकी जो है स्कॉलरशिप क्लोज हो गई, डेट्स होती हैं। अब मान लीजिए अगर जैन के लिए करना है और जैन के लिए पहले ही बच्चा देखेगा कि इस यूनिवर्सिटी की कितनी स्कॉलरशिप है, एक बच्चे एक स्टूडेंट को मेरे £6,000 की स्कॉलरशिप लगी है तो फीस उसकी मेरे ख्याल 11,000-12,000 सारी रह गई, अगर 18,000 फीस थी तो 12,000 रह गई है। तो डिपेंड करता है हर स्टूडेंट का कि उसका कितनी जल्दी अप्लाई कर रहा है। कई बार बच्चे सोचते हैं अभी बहुत टाइम है हम अप्लाई कर लेंगे,
तो उसमें जो है बच्चों की स्कॉलरशिप खराब हो जाती है। आज का हमारा स्पेशल ये जो डेडिकेटेड एपिसोड है ये है मास्टर बाय रिसर्च वालों के लिए, उनके लिए फिर से रिपीट कर दें 6.5 बैंड और जो टोटल एकेडमिक परसेंटेज चाहिए 60% चाहिए उनके लिए। लेकिन रूल सबके लिए सेम है जो फाइनेंशियल है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए, कोई आपको लंबे चौड़े फंड्स बहुत पुराने नहीं चाहिए, जस्ट 1 मंथ होल्ड आपको फंड्स चाहिए, 6 मंथ की आपको फीस जमा करनी है एंड आपने इंश्योरेंस देना अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो जस्ट 1 ईयर का, या मास्टर बाय रिसर्च जा रहे हो उसके लिए भी 1 ईयर का इंश्योरेंस देना है एंड यू कैन अप्लाई योर फाइल। और वीज़ा भी बहुत जल्दी आता है यूके का, 15 डेज के अंदर वीज़ा डिसीजन हो जाता है। जी 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 बिल्कुल मैम, तो आप जैसे बात कर रहे थे कि अगर स्टूडेंट टाइम पर अप्लाई करे तो 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, तो टाइम पर अप्लाई करने की जब बात करते हैं तो मैम कितना टाइम हम बीच में लेकर चलें ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स का जो है फ़ायदा ले सके। जैन के लिए अगर बच्चा सोचेगा कि अभी अगस्त चल रहा है मैं नवम्बर तक कर दूंगा तो 101% उसको स्कॉलरशिप नहीं लगने वाली है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। मान लीजिए उनके पास 1 मिलियन की स्कॉलरशिप है, ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे आने हैं तो जिन जो सबसे पहले आएंगे उनको पहले मिलेगी। सेकंड स्कॉलरशिप होती है जो होती है एकेडमिक, अगर आपके 80% है, 85% है, 90% है, उनके लिए अलग स्कॉलरशिप होती है। तो ये स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग स्कॉलरशिप होती है, ये देखना पड़ता है कि बच्चा कौन सी कैटेगरी में फॉल कर ले। अगर वो एकेडमिक बहुत अच्छा तो उसको एकेडमिक बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर उसने एडमिशन पहले ले लिया और फीस पहले भर दी तो उसको प्रायोरिटी वाली अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर ये दोनों भी लग सकती हैं अगर स्टूडेंट बिल्कुल टाइम पे अप्लाई करे और टाइम वेस्ट ना करे। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसमें कई बार बच्चे सोचते हैं मेरे को पर्टिकुलर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जाना और उसका ऑस्ट्रेलिया का प्रोफाइल नहीं बन रहा है। अब अगर उसका ऑस्ट्रेलिया का प्रोफाइल नहीं बन रहा है और वो 2-3 साल यहाँ ख़राब करेगा या इधर उधर घूमेगा, 1-2 साल किसी और कंट्री का एक्सपेरिमेंट करेगा, तो मैं कहती हूँ जहाँ 100% वीज़ा आ रहा है वहाँ आप अप्लाई करके अपना प्रोफाइल बिल्ड करो और मास्टर्स के लिए देन यू कैन ऑप्ट फॉर अदर कंट्री। क्योंकि एक बार आपने एक अच्छी कंट्री से अपनी ग्रेजुएशन कर ली या मास्टर्स कर ली तो आप देन यू कैन अप्लाई फॉर एनी अदर कंट्री और दुनिया की कोई ताकत आपके जो कंट्री आप चाहते हो उसका वीज़ा रोक नहीं सकता। जी 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 बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी रहता है कि एक अच्छे कंसल्टेंट से आप सलाह लें ताकि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिल सकें और टाइम पर अप्लाई करके आप पॉजिटिव रिजल्ट भी ज़रूर हासिल कर सकें। और स्टूडेंट्स का कोई डाउट हो यूके स्टडी वीज़ा की हम बात करें और मास्टर बाय रिसर्च में जो जा रहे हैं स्पाउस वीज़ा को लेकर भी पूरी डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नंबर लगातार डिस्प्ले है, वीडियो के दौरान भी डिस्प्ले रहा, आप इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी ज़रूर लीजिए और सही समय पर सही टाइम पर अप्लाई करके मैक्सिमम बेनिफिट्स का फायदा लीजिए। लगातार नंबर डिस्प्ले रहे, इनको आप नोट करके अपने मोबाइल में सेव करके जरूर रखिए ताकि जब भी आपको लगे कि आपको अब अप्लाई करना है, वैसे तो आपको फटाफट डिसीजन अपना लेना चाहिए ताकि देरी कहीं ना हो जाए आपसे। और इसी के साथ आप नेविगेटर्स ओवरसीज के चंडीगढ़ ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर लेकर आइए ताकि असेसमेंट करके पूरी तरह से अच्छी अच्छी ऑप्शंस जो है आपको गाइड की जा सके। मैम बहुत बहुत थैंक्स आपका कि पूरी इंफॉर्मेशन कैसे स्टूडेंट मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं, स्कॉलरशिप्स का फायदा ले सकते हैं, उसके बारे में भी आपने स्टूडेंट्स को अवेयर किया है। आगे भी हम इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।